जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री कृपालु जी महाराज कहते हैं, कमर कसकर जिद कर लो कि मुझे अपने प्राण वल्लभ श्री कृष्ण से मिलना ही है। इसी जन्म में ही नहीं नहीं इसी वर्ष नहीं नहीं आज ही मिलना है। यह व्याकुलता बढ़ाना ही वास्तविक साधना है। इस प्रकार यह व्याकुलता इतनी बढ़ जाए कि अपने प्रियतम से मिले बिना एक क्षण भी युग के समान बीतने लगे, बस यही साधना की चरम सीमा है। इसी चरम सीमा पर भगवत कृपा गुरु कृपा द्वारा दिव्य प्रेम मिलेगा। भगवान के लिए एक आंसू बहाने से भगवान हजार आंसू बहाते हैं। काश कि मेरी इस वाणी पर आप विश्वास कर लेते तो आंसू बहाते न थकते। अरे उसमें हमारा क्या खर्च होता है, उसमें क्या कुछ अकल लगाना है, क्या उसके लिए कुछ साधना करनी है, क्या इसमें कोई मेहनत है, क्या यह कोई जप है तप है। आंसू उनको इतने प्रिय हैं और तुम्हारे पास फ्री हैं, क्यों नहीं तुम श्याम सुंदर के लिए आंसू बहाते हो, क्यों नहीं तुम उनके लिए बहाते हो आंसू। निर्भय होकर श्याम सुंदर से कहो कि तुम हमारे होकर भी हमें अभी तक क्यों नहीं मिले। तुम बड़े कृपण हो श्याम सुंदर, बड़े निष्ठुर हो, तुमको जरा भी दया नहीं आती। हमारे होकर भी हमें नहीं मिलते हो, इस अधिकार से आंसू बहाओ। हम पतित हैं, अपराधी हैं तो क्या हुआ, तुम पतित पावन हो फिर अभी तक क्यों नहीं मिले। इतना बड़ा अधिकार हो तो तुम्हारे एक आंसू पर वे हजार आंसू बहाते हैं। अपने श्याम सुंदर से ऐसा और इतना प्रेम बढ़ाओ जैसा और जितना कि कोई घोर कामिनी अपने माइक प्रियतम के प्रति बढ़ाती है। तुम्हारा प्रियतम तो मायातीत दिव्य है, कितने भाग्य हैं तुम्हारे। अपने इष्ट देव को सदा अपने साथ महसूस करो, यानी कभी भी अपने आप को अकेला न समझो। जब कभी मक्कारी का विचार पैदा हो तुरंत यह सोचो कि वे देख रहे हैं। अपने इष्ट देव तथा गुरु को सदैव कभी मिलन रूप में कभी वियोग रूप में अनुभव करो। निराशा या संशय या अन्य कोई दोष आ जाने पर एकांत में आंसू बहाकर प्रायश्चित करके ठीक करो। कर्म योग की अवधि में यथासंभव मौन व्रत का पालन किया जाए। सदा ध्यान रहे कि किसी के किसी कार्य से दूसरे को बाधा न पहुंचे। रूप ध्यान करते समय गुरु या भगवान की जिस लीला में जाना चाहो चले जाओ तथा उनके दिव्य मिलन व दर्शन के लिए तड़पन पैदा करो। लाख लाख आंसू बहाओ लेकिन किसी भी आंसू को तब तक सच्चा न मानो जब तक स्वयं श्याम सुंदर आकर अपने पीताम्बर से आंसुओं को न पहुँचें। इतनी व्याकुलता पैदा करो कि नेत्र और प्राणों में बाजी लग जाए, पल पल युग के समान लगे। श्याम सुंदर हमारे अंतःकरण में नित्य विद्यमान रहते हैं किंतु फिर भी उनसे कोई लाभ नहीं, क्यों? ठीक यों जैसे कि गाय स्वयं हष्ट पुष्ट नहीं हो रही यद्यपि कितना दूध भरे हैं अंदर। ग्वाला प्रतिदिन दूध निकाल रहा है उसमें से, लेकिन अगर उसी का निकाला हुआ दूध गाय को फिर पिला दिया जाए तो गाय मोटी हो जाएगी। जब तक दूध निकाल कर न पिलाया जाए दूध उसको पुष्ट नहीं करता, निकलता यद्यपि उसी से है। इसी प्रकार आपके अंतःकरण में श्याम सुंदर बैठे हैं लेकिन जब तक प्रेम रूपी शक्ति से आप उन्हें बाहर नहीं निकालते और उनका सेवन नहीं करते तब तक आप माया युक्त व प्रेमानंद प्राप्ति के योग्य हो ही नहीं सकते, अधिकारी बन नहीं सकते। जब तक भगवान एवं गुरु के लिए हृदय नहीं जलेगा तब तक हृदय पिघलेगा नहीं, अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। बिना अंतःकरण शुद्धि के कोई दिव्य सामान नहीं मिल सकता। साक्षात ईश्वर दर्शन करने पर भी गोलोक जाकर भी वहाँ से बेरंग लौटेंगे क्योंकि श्याम सुंदर एक्सरे मशीन के समान है।
जैसे आपके अंतःकरण की पिक्चर होगी वे वैसे ही दिखाई देंगे। साधना एकांत में हो इसका मतलब है किसी से राग द्वेष का साधन सामने न हो, तभी उपासना का वास्तविक स्वरूप बना सकोगे। महत्वपूर्ण साधना रूप ध्यान सहित है। हरि और गुरु का रूप बनाकर उनको चैतन्य साक्षात प्रेमास्पद मानकर कितनी देर और कितना अपने साथ अनुभव करते हो, यही सच्ची साधना है, यही सच्ची साधना है। जय श्री राधे, जय श्री राधे। पूज्य श्री